मेरा क्वेश्चन सर ये है कि इंसान जिंदगी में बाद बात बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर लेता है, लेकिन उस अचीवमेंट के बावजूद भी वो खुश नहीं हो पाता, तो जिंदगी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी महसूस होने लगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, आपकी उम्र से कुछ 50 साल बड़ा सवाल है माशाल्लाह। है अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको इसी सवाल से ओसा अरूज दे, आमीन। बेटे का सवाल बड़ा अच्छा, ये सवाल जो सा इसके साथ मेरा वास्ता रोज ही पड़ता है सर, काउंसलिंग उसकी शक्ल में। बड़े बड़े कामयाब लोग आते हैं, कहते हैं शाह साहब इतने कामयाब हो गए हैं, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। एक एंकर है मेरे साथ, गुड मॉर्निंग करती हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं शाह साहब मेरा गुजारा नहीं होता। मैं एक दिन बड़ा मैंने सोचा कि हम मदद ही करनी चाहिए, पता नहीं कितनी गरीब होगी। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी सैलरी कितनी, कहती सिर्फ 14 लाख रुपया। तेरा गुजारा नहीं होता, कहती गुजारा नहीं होता मेरा। मैंने कहा 14 लाख से नहीं होता यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, मैं तो बड़ा यानी कि कमा के बांट देता हूँ, थोड़े से मेरा बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है तेरा गुजारा नहीं होता। बेटा एक बात याद रखिएगा, जो जो सुकून और खुशी है ना, वो अचीवमेंट में नहीं है, वो अल्लाह की रजा में है, वो अल्लाह के कर्म में है। जब आप पे अल्लाह अपना कर्म कर देता है ना, तो छोटी छोटी कामयाबियों को बहुत बड़ी लगती हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था, मैं 2 कासिम अली शाह को जानता हूँ। एक वो जिसको वाकई में जानता हूँ, बड़ा नलायक है वो, आपको पता नहीं है, बड़ा डफर है, बड़ा इडियट्स है, उसमें बड़ी नलायकी है। एक कासिम अली शाह को आप जानते हैं, शायद अल्लाह ने भरम रखा हुआ, उसे अच्छा समझते हैं। लेकिन जिस कासिम को मैं जानता हूँ वो बड़ा नलायक है, ईमानदारी वाली आपको बात बता दूं। अब साबित क्या करना चाह रहा हूँ, साबित करना चाह रहा हूँ जिसको आप जानते हैं ना, वो अल्लाह के कर्म से है, अपनी औकात उसकी कोई नहीं। अगर अपनी औकात नहीं आप दिल से मानते हैं तो मेरे भाई ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी फैक्ट्री को समझते हैं मैंने लगाई है, हम अपनी अचीवमेंट को समझते हैं मेरा कमाल है, हम अपने बिजनेस को समझते हैं देखो जानी मेरा मैं दिमाग बड़ा है। भाई जी साढ़े तो बड़े बड़े दिमाग रुलते पे जे, बड़े बड़े अकल वाले जेडे ना उन्होंने गंडेरियां नहीं विकदिया, उन्होंने अमरूद के टमाटर नहीं विकते। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिस बंदे को शुक्र है और हवाला है वे कि मेरी कामयाबी की बड़ी वड्डी वजह मेरा अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत, रहमत की तारीफ सुन लो की है। रहमत की तारीफ यह हैगी है कि ताड़ा हक नहीं सी और ताड़ा यकीन है कि मेरा हक नहीं सी, मेरे अल्लाह ने मैं नवाज दिता, मेरा हक नहीं, मेरी औकात नहीं सी, मेरी औकात नहीं सी लेकिन मेरे अल्लाह ने नवाज दिता, तो कहलाएगी रहमत। हजूरे वाला लोगों के पास ये एहसास नहीं होता, वो अपनी कामयाबियों को अपनी कामयाबियां समझते हैं। जो बंदा अपनी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझता है, याद रखिए वो फिरौन बन जाए, वो जरदारी बन जाए, वो मियां नवाज शरीफ बन जाए, खुश नहीं हो सकता। लेकिन जो अपनी कामयाबी को अल्लाह का करम समझता है, अपनी कामयाबी को अल्लाह का करम समझता है, वो झुग्गी की छत डाल के भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा।